सबसे पहला टॉपिक जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना है, तो मैं अभी इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पहले ही बता चुका हूं मैं कि हर एक की हम दो क्लास लेंगे। तो बिल्कुल ये भी डिफाइन करने के पर्पज से ही इसको पढ़ा जाए कि हाँ किसी ने हमसे पूछा और हमको उसको डिफाइन करके बस सुनाना है। तो हम इसको बोलेंगे इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। क्या हो गया ऑडियो, अभी आ रही है आवाज क्लियर? अच्छा एक मिनट हो गया। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, नेटवर्क प्रॉब्लम। मैं जैसे ही फिर से पूछूं तो मुझे बताना कि ऑडियो वीडियो क्लियर हुआ कि नहीं। अभी ऑडियो क्लियर आ रहा है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए ऐसे मुझे बता दीजिएगा जहां प्रॉब्लम जाए तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है? आपको प्रॉब्लम ना जाए तो फिर से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बोल रहा था, इट इज एन इनहेरेंट या इंट्रिंसिक। दो में से कोई एक ही वर्ड यूज करना, दोनों यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नहीं तो आप बोलो कि मुझको वर्ड पावर आता है, ऐसा करना था कुछ नहीं। इट इज एन इनहेरेंट या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर तो आपको हर बुक में लिखा मिलता है चार्ज के बारे में, तो इतना तो आप गूगल भी सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि ये दूसरे से अलग है, दूसरी प्रॉपर्टीज से अलग है, क्योंकि मैटर में तो कई प्रॉपर्टीज होती हैं। तो विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दोनों शब्द आ गए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक अलग अलग ना लिख के मैं एक साथ लिख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इसके देखो तीन मीनिंग है, इलेक्ट्रिक ऑनली, मैग्नेटिक ऑनली एंड बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। जो भी कंडीशन हो, कभी कभी क्या है इलेक्ट्रिक रहेगा, कभी कभी मैग्नेटिक रहेगा, कभी कभी दोनों रहेंगे। तो फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन, यहां पर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, फोर्स वर्ड ना यूज करके मैंने इफेक्ट्स लिखा। तो नेचर में जो कुछ भी हो रहा है, नेचर में भी और डे टू डे लाइफ में भी, मतलब मैन मेड जो आर्टिफिशियल जो हम कर लेते हैं, तो क्योंकि आजकल हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि नेचर में जो चीज होती थी उसको हम रिक्रिएट कर पाते हैं, इसलिए नेचुरल ना लिख के मैंने बोला। लेकिन ये एक इनहेरेंट या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है और ये रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कारण है इसका सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स का। बस ये आपकी डेफिनेशन, इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट चीज आपको बताना है कि चार्ज के वेरिएंट, ठीक है ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब चार्ज के जितने भी पॉपुलर नेम्स थे वो मैं बता दे रहा हूं, दो ही नेम्स हैं। वैसे तो अलग अलग देश में अलग अलग भाषा में कई नाम चलते हैं, लेकिन पहला है वाइट्रस चार्ज, ये पुराना नाम है, और रेजिनस चार्ज। ये दो प्रकार के चार्ज के नेम आपको बुक्स में लिखे मिल जाएंगे। वाइट्रस का मतलब है प्रोड्यूस्ड ऑन ग्लास रोड, प्रोड्यूस्ड ऑन ग्लास रोड। और इसकी डेफिनेशन क्योंकि हमारी बुक में दी हुई है ऐसी ग्लास रोड वाली, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। और रेजिनस का मतलब होता है प्रोड्यूस ऑन रेजिनस रॉड। तो रेजिनस रॉड दो थी जो इसमें यूज की गई है, प्रोड्यूस ऑन एम्बर रॉड, ये वुड है, एम्बर और एबोनाइट, इन दोनों में से किसी एक का नाम आप यूज करिएगा, किसी भी एक का, ठीक है? ये दोनों ही वुड की दो क्वालिटी है। वॉकिंग स्टिक्स आपने देखी होंगी कि आप यदि कभी हॉलीवुड मूवी देखोगे तो जो बहुत रईस लैंडलॉर्ड टाइप का व्यक्ति हुआ एक खास प्रकार की वॉकिंग स्टिक्स रखते हैं, तो वो इस प्रकार की लकड़ियों से बनी होती थी, एम्बर रॉड और एबोनाइट रॉड से, ठीक है? तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के चार्ज कहे गए। फिर बाद में नाम की रिप्लेसमेंट हुई, वाइट्रस वॉज रिप्लेस्ड बाय, वाइट्रस वॉज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव, और रेजिनस वॉज रिप्लेस्ड बाय निगेटिव।
ये सब डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन नोट मेकिंग में केवल इतना है। तो एक हिसाब से आप ये समझिए कि अभी इस टॉपिक की नोट मेकिंग चल रही है, ठीक है? तो मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना हम लिख रहे हैं। इतना हुआ, यहाँ तक का क्लियर है? तो पहला टॉपिक है कि ये एक इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देती है। दूसरी चीज की इसके दो वेरिएंट्स हैं, दो टाइप हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पुराना नाम था वाइट्रस और रेजिनस। वाइट्रस मतलब ग्लास रॉड पर डेवलप होने वाला, रेजिनस मतलब एम्बर या एबोनाइट रॉड पर। आवाज क्लियर आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं। अब नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, अब मैं टोटल चार्ज की बात कर रहा हूं, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी, ये तीन प्रकार का होगा। चार्ज दो प्रकार के होंगे, लेकिन किसी भी बॉडी पर चार्ज जो आ रहा है, जो नेट चार्ज जो डेवलप हो रहा है, वो क्या होगा? दो प्रकार, तीन प्रकार का। पहला नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? दूसरा होगा नेट निगेटिव चार्ज, और तीसरा होगा नो नेट चार्ज। तो नेट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होगा समेशन क्यू, क्यू से चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये लाइन अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं, बस हम यहां पे लिख देते हैं डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है? तो समेशन क्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, समेशन क्यू शुड बी लेस देन जीरो, समेशन क्यू इज इक्वल टू जीरो। इस बॉडी को जो तीसरी बॉडी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी भी बोलते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन। तीनों के एग्जाम्पल हम एटॉमिक लेवल पर ले लें, जैसे नेट पॉजिटिव चार्ज बॉडी, नेट पॉजिटिव चार्ज बॉडी में हम प्रोटॉन को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन पे केवल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है? प्रोटॉन भी किसी चीज से मिलकर बना है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और नेगेटिव चार्ज कम होता है, ये पढ़ेंगे। ऐसे ही नेट नेगेटिव चार्ज बॉडी जो है, इसके लिए हमने लिया इलेक्ट्रॉन को, और नेट चार्ज ही न्यूट्रॉन के लिए लिया, जिसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी, ठीक है? तो नई डेफिनेशन आप यही लोगे, पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन अगर आपको देना है आज की तारीख में, ठीक है? पुरानी डेफिनेशन भी देखेंगे हम और नई डेफिनेशन भी देखेंगे। तो पुरानी डेफिनेशन ये कहती है, पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, पॉजिटिव चार्ज द नेट चार्ज डेवलप्ड, द नेट चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे बुक में भी लिखा है एनसीईआरटी में ना, नहीं तो ये टॉपिक अब देखो एग्जाम में तो कभी नहीं आते, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में या केस स्टडी में कहीं आ गया तो आप ऐसा नहीं हो कि पहली बार सुन रहे हो और आपको ऑड लगे कि ये बताया नहीं, इसलिए सिर्फ बताया जा रहा है, बाकी इनका कोई खास एज सच मीनिंग नहीं है। एक बार आप उसको याद करिए, शुरू में तो पढ़ने में ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इसमें से एग्जाम वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं रहेंगे।
ठीक है, न्यू डेफिनेशन क्या लिखोगे? द नेट चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, या लिख दीजिएगा, है ना, दोनों ही। तो एग्जाम में आप दोनों में से कोई सी लिख सकते हो। और जब जनरली टीचर पूछ रहा है तो ये काफी ट्रेडिशनल टीचर होगा जो पूछ रहा है, और ये पहली डेफिनेशन ही सुनना चाहता है, ठीक है, तो पहली वाली ही लिखिए, निगेटिव चार्ज। द नेट चार्ज डेवलप्ड ऑन, इसी का पीडीएफ में क्लास के बाद भेज दूंगा जनीशा, ठीक है, तो तुम्हारी जो नोट मेकिंग की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो नेट चार्ज डेवलप्ड ऑन एगोनाइट या फिर एम्बरॉल व्हेन इट इज रब्ड विथ वूलन क्लॉथ। अब जरूरी नहीं है कि वूलन ही लिया, मतलब कुछ खास कॉम्बिनेशन हैं, केवल सिल्क नहीं होता लेकिन सिल्क ही ले रहे हैं हम, इसके पीछे रीजंस हैं, ये सब अभी हम डिस्कस नहीं करें, ठीक है, इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। ये पुरानी डेफिनेशन होगी, नई डेफिनेशन में आप लिखोगे द नेट चार्ज डेवलप्ड ऑन, द नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, द नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। इस साल एक अजीब चीज होगी वो ये है, सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं कि जो चार्ज है इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो स्केलर का मतलब ये रहेगा कि इसके जो दो वेरिएंट रहेंगे, मतलब इसकी दो वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार की वैल्यूज आएंगी, चार्ज के साथ भी ऐसा का ऐसा तीन चार चीजों के साथ होगा, तो वो साथ में लिख देता हूं, एक चार्ज के साथ होगा ऐसा, फिर ये जो चार्ज पोटेंशियल बनाएगा, एक टर्म पढ़ेंगे अपन क्वांटिटी पोटेंशियल और करंट, ये तीन चीजें पॉजिटिव भी होंगी नेगेटिव भी होंगी, तो ये तीनों के पास डायरेक्शन है एक हिसाब से देखा जाए, लेकिन हम इसके बावजूद इनको स्केलर रख रहे हैं और उनकी डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चार्ज में दो डायरेक्शन होती हैं लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव से शो होकर खत्म हो जाते हैं, पोटेंशियल में भी और करंट में भी। सॉरी, अभी इतनी चीज तो आपको समझ में, करंट से तो आ गई होगी, करंट में दो डायरेक्शन होती है, तो इसी प्रकार से चार्ज पोटेंशियल सभी बावजूद इनके इसको हम स्केलर फॉर्म क्यों लेते हैं, बिकॉज दे डू नॉट ओबे, चार्जेस जो हैं ट्राइंगल लॉ को ओबे नहीं करते, दे डू नॉट ओबे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बस इतनी सी बात, अगर ट्राइंगल लॉ के हिसाब से जुड़ रहे होते तो वेक्टर हो जाते। इसमें ऐसा नहीं है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाला रोल नहीं, क्योंकि देखो आप करंट जो सबसे नीचे लिखा हुआ है उसके पास डायरेक्शन होती है आप जानते हो, यहाँ पर जो है ना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाला रीजन नहीं चले, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी जगह आप पैरेललोग्राम लॉ भी लिख सकते हो, कोई एक नाम लिखना, लिखे पैरेललोग्राम लॉ नहीं लिख रहे हो तो एक और लॉ होता है पॉलीगन लॉ, बेसिकली तीनों एक ही हैं, तीन अलग अलग डायग्राम बनते हैं। अब आपने ऐसा 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि राइट ट्राइंगल से भी पाइथागोरस थ्योरम बनती है, और आप रेक्टेंगल के अंदर भी जो इंडियन एडिशन है इसका पाइथागोरस थ्योरम का, तो वो रेक्टेंगल का है कि जो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल रिप्रोड्यूसेस इट्स साइड, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो रेक्टेंगल और राइट ट्राइंगल ये दो कंडीशंस बन रहे हैं लेकिन थ्योरम एक ही है, ठीक इसी तरह यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट तीनों के अलग अलग होंगे लेकिन वो डायग्राम की वजह से होंगे लेकिन रिजल्ट एक ही आएगा, तो चाहे आप ट्राइंगल लॉ बोलो, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ बोलो, चाहे पॉलीगन लॉ बोलो, ठीक है, यहां तक क्लियर है भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो आगे बढ़ सकते हैं, चलो थैंक आगे बढ़ते हैं। तो ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी थी स्केलर, अब चार्ज इज
मास इनवेरिएंट, चार्ज इज मास, सॉरी मास इनवेरिएंट ही लिखा, स्पीड इनवेरिएंट लिखना था, चार्ज इज स्पीड इनवेरिएंट। स्पीड इनवेरिएंट का मतलब ये है कि देखो चार्ज होगा तो किसी बॉडी पर ही, अब उस बॉडी में स्पीड भी होगी, वेलोसिटी, मूवमेंट, सारी चीजें होंगी, तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ चार्ज नहीं बढ़ेगा। तो आपको ये बात बहुत ऑब्वियस लग रही होगी, लेकिन मास जो है चेंज होता है, इस वजह से चार्ज के लिए हमको अलग से ये बात लिखनी पड़ी। तो चार्ज विल नेवर चेंज, स्पीड कितनी भी है। अब हम इसका यूनिट और डायमेंशन पर आते हैं। तो एस आई यूनिट जो चार्ज की है, दैट इज एक्चुअली एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि मैं फंडामेंटल बेस्ड यूनिट में बताऊंगा, तो एम्पियर इंटू सेकेंड करोगे तो आपको चार्ज मिलेगा, और इसको सिंबॉलिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एएस। लेकिन हम इसको एम्पियर सेकेंड ना बोल के क्या बोलते हैं, कूलाम, इन द ऑनर ऑफ अ साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट कूलाम, तो इसको कैपिटल सी से दिखाया जाता है। ठीक है, ये हो गई एसआई यूनिट। अब इसके डायमेंशंस, डायमेंशंस हमेशा आपने देखा है फंडामेंटल यूनिट से ही बनते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है इसकी, फंडामेंटल यूनिट है एम्पियर और ये है सेकेंड, सेकेंड को किससे दिखाएंगे, टी से। ठीक है, इतना तो आपको याद होगा कि लेंथ, मास, टाइम तक एमएलटी था, उसके बाद यूनिट से ही डायमेंशन को दिखाया गया, तो इसका डायमेंशन है एटी। ठीक है, तो ये इसके डायमेंशन है। अब खास बात ये है, अभी तक आपने ये पढ़ा है, पहले मैं इसकी सीजीएस यूनिट बता देता हूँ। इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो दो होती है, क्योंकि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो अलग बिहेव करता है, तो इसको बोलते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो उस समय यूनिट अलग रखी गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और जब मूव करता है तो अलग यूनिट रखी गई है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब इस ईएसयू यूनिट को, इस ईएसयू यूनिट का नाम है, उसको बोलते हैं स्टेट कूलाम, स्टेट मतलब रेस्ट, स्टेट कूलाम। ठीक है, अब ईएमयू में इसको बोलते हैं एब कूलाम। अगर साइज का कंपैरिजन किया जाए मैग्नीट्यूड का, तो सबसे बड़ा होता है एब कूलाम, फिर होता है कूलाम, और फिर होता है सबसे छोटा स्टेट कूलाम। देखो कभी भी आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो तो ये मत सोचो कि आज क्या इंपॉर्टेंट है, हालांकि आजकल टीचर काफी प्रोग्रेसिव हो गए, टीचर्स भी वर्कशॉप अटेंड करते हैं, पढ़ाई करते हैं, काफी कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये कहना बहुत जरूरी, मतलब जरूरी रहेगा कि ये सब पर लागू नहीं होता, लेकिन मोस्टली ये होता है कि टीचर उसी चीज को इम्पोर्टेंट समझता है जो उसके समय इम्पोर्टेंट। तो जो आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सेट करता है उसके पास कम से कम 20 से 30 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो उस समय जो चीज है, इनफैक्ट वो जो पढ़ाएगा तो वो ये सारी चीजें ही पढ़ाता है, इस वजह से मुझको ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। बाकी ये सब क्या है ना, एक हिसाब से ऑब्सोलीट हो चुका है, कोई मतलब का नहीं, सीबीएसई तो जनरली नहीं पूछता है। ठीक है, बावजूद इसके इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, स्टेट बोर्ड्स में काफी देखे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते यदि हम फुल मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एब कूलाम में कितने कूलाम होंगे, तो एक एब कूलाम बराबर होता है, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने ये वाला इक्वल टू किसी खास वजह, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, 10 कूलाम। और एक कूलाम, अब बड़े वाले को लेफ्ट में लिखोगे, एक कूलाम में होंगे 3×10⁻⁹ स्टेट कूलाम, तो इतना छोटा होता है स्टेट कूलाम। ठीक है, इतनी डायमेंशन, मतलब ये तो स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3×10⁸, उससे भी बड़ा मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, तो इतना छोटा होता है एक कूलाम और एक एब कूलाम में इतने का अंतर। ठीक है, फिर आप इंटर कन्वर्जेंस कर सकते हो, ठीक है, और भी कन्वर्जेंस कर सकते हो, जैसे कि कन्वर्जेंस कर ही देते हैं। अब मैं हर एक यूनिट को बाकी दो यूनिट में बदलूंगा। सो एब कूलाम का मैं आंसर चाहता हूं इन कूलाम एंड इन स्टेट कूलाम, दो
चीजों में मिल जाए, इसका आंसर है। तो क्या होगा, ध्यान दो, एक एक कूलाम में तो 10 कूलाम मिल ही रहे हैं, इसको ऐसा शॉर्ट में लिखते हैं ए बी सी, ठीक है, सी कैपिटल इज इक्वल्स टू 10 कूलाम। आवाज आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है ना, कुछ नहीं, थोड़ी सी वॉइस डिस्टॉर्शन आया था। चलिए अब देखिए, स्टेट कूलाम में क्या होगा, आपको बताना है कि एक एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं। तो सबसे पहले तो एक कूलाम को मैंने, एक एक कूलाम में कितने थे, 10 कूलाम। अब इस कूलाम को, ये वाला जो कूलाम है, इसको स्टेट कूलाम में बदल, तो क्या करोगे, 10 इंटू 1 कूलाम, एंड दिस 1 कूलाम शैल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 रेस द पावर 9 स्टेट कूलाम। स्टेट, दिस इज द सिंबल, so it will become 3 into 10 raised to the power 10 state coulomb। ठीक है, ये वाला हिस्सा समझ में आ गया सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं, कूलाम को दो यूनिट में बदलेंगे, कूलाम को बदलेंगे एक कूलाम में, और कूलाम को ही बदलेंगे स्टेट कूलाम। फॉर्मूला तो वही रहेगा कि 1 एड कूलाम इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं उल्टा लिख रहा हूं, 10 कूलाम। तो 1 कूलाम के लिए निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/10 एड कूलाम, ठीक है। तो एक कूलाम में कितने हुए, 1/10 मतलब 0.1 भी बोल सकते हो, 0.1 ए बी, ये हुआ। अब ऐसे ही कूलाम को स्टेट कूलाम में बदलना है, तो वो तो क्लियर है कि 1 कूलाम है 3 इंटू 10 रेस्ट की पावर 9 स्टेट कूलाम, क्लियर है। तो इन दोनों में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं गई, लास्ट वाले में हमें प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि छोटी यूनिट है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम से अब आपको जाना है कूलाम में और फिर एयर कूलाम, दोनों को हम चेक करते हैं क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कि 3 × 10 रेस्ट टू द पावर 9 स्टेट कूलाम से कितना बना, 1 कूलाम, ठीक है। डिवाइड किया हमने तो 1 स्टेट कूलाम बराबर आया 1/3 × 10 रेस्ट टू द पावर 9 कूलाम। अब इसको सॉल्व करो तो 0.33 आएगा आपका, 0.33 को आप 3.3 करो तो 10 की पावर माइनस 9 ऊपर गई थी वो माइनस 10 हो जाएगी, इतना तो आप समझ गए होगे, ये बात तो समझ में आ गई ना सबको, 3.33 ऐसा करने की वजह से ये 1 स्टेट कूलाम। भाई समझ में आ रहा है ना सभी को, हेलो, ठीक, किसी को डाउट रहे तो अगेन बोल देना, ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं। अब ध्यान दीजिए लास्ट पार्ट कि अब हमको इस 3 × 10 रेस की पावर 9 स्टेट कूलाम में 1 कूलाम था, ये तो हमने पढ़ लिया, इस 1 कूलाम में ध्यान दीजिएगा कितना था, 1/10 एफ कूलाम, क्योंकि अब मेरे को एफ कूलाम में बदलना है, तो डिवाइड जब करोगे तो अपॉन में आएगा 1/3 × 10 रेस्ट टू द पावर 10 एफ कूलाम। तो जब ये 3.33 होगा, 1/3 का मतलब क्या होता है, 3.33 अभी हमने किया, तो ये 10 की पावर माइनस 11 एफ कूलाम हो जाए, ठीक है। तो कन्वर्जेंस इस प्रकार से होते हैं, अभी नहीं समझ में आया है इसको हम कल फिर से दोहराएंगे, एक बार स्टार्ट होगी क्लास शुरू के 5 मिनट तो आप देख लीजिएगा, अभी बस बेसिक आप ये याद करो, ये देखो ज्यादा आएंगे नहीं तो हम, आप इस पर इतना ज्यादा एफर्ट करो मत यदि आपको नहीं समझ में आया, जिसको आ गया है उसके तो अच्छा लग रहा हो। 1 एड कूलाम बराबर दिस एंड 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10 रेज़ द पावर। अब मैं एक मेन बात पर आता हूँ कि इसमें जो मैं आपको बहुत रेयर बात है, जो जरूरी नहीं है यहाँ बताना, फिर बता देते हैं ताकि गड़बड़ ना रहे। आपने पिछले साल पढ़ा फोर्स की दो यूनिट होती हैं, एक होती है डाइम एंड द अदर वन इज न्यूटन।
बोथ आर ऐसे समझो कि देखो फोर्स क्या होता है न्यूटन, न्यूटन को क्या लिखते हो आप, न्यूटन मतलब के जी एम एस माइनस टू। अब सीजीएस में चले जाओगे तो के जी की जगह ग्राम आ जाएगा, इसकी जगह सेंटीमीटर आ जाएगा और ये एस माइनस टू, लेकिन बनेगा तो डायमेंशन दोनों का सेम, एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू। लेकिन चार्ज एक लोटी ऐसी चीज है जिसकी एसआई यूनिट का डायमेंशन ईएसयू के बराबर नहीं है और ईएसयू का डायमेंशन ईएम, ये तीनों के डायमेंशन अलग अलग है, ठीक है। तो ये दो के डायमेंशन आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं क्योंकि हम इनको पढ़ेंगे ही, और चार्ज का एसआई वाला ही हमको याद रखना है एटी, और इस वजह से ठीक है ये कन्वर्जेंस डायमेंशन दे आर नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अब हम इसमें इस यूनिट में जो बेसिक चीजें हैं उनके चार्ज पढ़ लेंगे एक बार, कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हुआ कूलम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है जो कंप्यूटेशनल वैल्यू से कंप्यूट करने के लिए वो बताऊंगा मैं, माइनस ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। प्रोटॉन पर ऑब्वियस की बात है इतना ही होगा, इसको माइनस ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻¹⁹ दिस इज इक्वल टू ई। ऐसे ही चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू प्लस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज प्लस टू प्लस। अब इसके बाद और भी कुछ चार्ज बॉडी होती हैं जैसे अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होगा ये आपको पता करना है, तो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई, तो ये प्लस टू ई होता है, ठीक है। चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और इसका चार्ज माइनस ई के ही बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक और चीज होती है पॉजिट्रॉन, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा उसके बराबर होगा प्लस। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके चार्ज आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन जीरो होता है, लेकिन देखो अब ध्यान से इससे ही मिलते जुलते शब्द यूज में करूंगा, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन जीरो होता है, बट चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन एक वर्ड होता है ड्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन के जितना ही इस पर चार्ज होगा प्लस। तो इतने शब्द हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल पर कितना होता है, बीटा पार्टिकल पर कितना होता है, पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन, फिर बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि ये चीजें क्या है, ठीक है ना, क्योंकि ये यूज में आएंगी, लेकिन अभी आप इसको याद रख लीजिए ताकि कैलकुलेशंस करते समय हमें प्रॉब्लम ना जाए। तो चार्ज की यहां तक की जो प्रॉपर्टीज थी वो तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ सकते हैं अपन, कैन वी मूव अहेड। इतने में किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, ये वाला जो हिस्सा है न्यूमेरिकल पार्ट जो था ये अभी जो चल रहा था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बस इसमें एक चीज जो जनरली एक बार एग्जाम में आ गई है वो ये है कि ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इसको उसने स्टेट कूलाम में पूछ लिया था, बहुत पहले आया था हालांकि, है ना, आप 20 साल पुराना क्वेश्चन मान लो ऐसा है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में आया था तो हम पढ़ेंगे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हुआ माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको स्टेट कूलम में, तो कूलम की जगह ये 1 कूलम हो गया, ठीक है। अब इस कूलम की जगह पर आप वैल्यू रख दीजिए, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू ये हुआ आपका 3 × 10⁻¹⁹ स्टेट कूलम, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 4.8
10 टू दी पावर माइनस 10 स्टेट कूलम। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट था। अब चार्ज की कुछ खास प्रॉपर्टीज की तरफ हम बढ़ेंगे, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो रेलेवेंट है, देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ के हम टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हमें पढ़ना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो दिस इज द पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि 5 मिनट बचे हुए हैं, तो हम एक बार 5 मिनट क्योंकि रिकैप देख लेते हैं। अगली क्लास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की है, जरा जल्दी से हम ऊपर से देखते हैं। ठीक है, तो क्या है पहली चीज, ये इनहेरेंट या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मेटल की, ये रिस्पॉन्सिबल है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के लिए। ये दो प्रकार के होते हैं चार्ज, वाइट्रस और रेजिनियस। वाइट्रस मतलब प्रोड्यूस्ड ऑन ग्लास रॉड, रेजिनियस मतलब प्रोड्यूस्ड ऑन एम्बर रॉड। वाइट्रस को रिप्लेस कर दिया था पॉजिटिव से और रेजिनियस को रिप्लेस कर दिया था निगेटिव से। फिर नेट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीन प्रकार का होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब ग्लास रॉड को सिल्क से रबर किया जाए और ग्लास रॉड पर भी चार्ज डेवलप। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वो होगा जो इग्नाइट और एम्बर रॉड पर डेवलप हो जब इसको गूलन क्लोथ से। ठीक है, अब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी क्योंकि ये ट्राइंगल लॉ को ओबे नहीं करती। ठीक है, चार्ज जो है स्पीड इनवेरिएंट है। चार्ज की जो एक्चुअल असाइनमेंट है वो एम्पियर सेकेंड है, जिसको कूलाम बोला जाता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला एटी है। CGS में दो यूनिट होती है EAC और EMU। EAC स्टेट कूलाम है, EMU एयर कूलाम है। सबसे बड़ी यूनिट साइज वाइज होती है एयर कूलाम, सबसे छोटी स्टेट कूलाम इंटरमीडिएट। ठीक है, अब ये कन्वर्जेंस होते हैं, एक एयर कूलाम इज इक्वल 1 एयर कूलाम इज इक्वल टू 10 कूलाम एंड 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। फिर ये कन्वर्जेंस इनसे हम बांटते हैं, आगे चलते हैं कि SI यूनिट, ESU यूनिट और EM यूनिट के डायमेंशन सेम नहीं है और ये कुछ चीज़ों के चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन इन सारी चीज़ों के लिए। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये मैं अभी पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ ताकि आपको ये कोई डाउट पूछना हो या कुछ बोलना हो तो